आपको गुड़गांव बॉर्डर की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर पुलिस पर हमला किया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से जो कोरोना वॉरियर्स हमारे लिए खड़े हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, उन पर ही आखिरकार किस तरह से लोगों ने, आम लोगों ने यहां पर हमला किया है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो गुड़गांव बॉर्डर का ये मामला बताया जा रहा है, हालांकि वजह इसके पीछे क्या रही ये अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन काफ़ी संख्या में यहाँ पर देखा जाए तो लोग हैं, कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार देखा जाए तो समझाने की कोशिश दोनों की तरफ से यहाँ पर चल रही है, लेकिन दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस पर ये हमला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जहाँ एक तरफ पुलिस लगातार लोगों की मदद के लिए जुटी हुई है और उनकी सहायता कर रही है, तो ऐसे में एक तस्वीर ऐसी भी सामने आ रही है जहां लोग खुद कोरोना वॉरियर्स पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस पर हमला किया गया है, लोगों का अमानवीय चेहरा ये कह सकते हैं कि यहां देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार पुलिस पर हमले की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग जगह से सामने आ रही है और एक ऐसा ही मामला दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से सामने आया है जहां पर पुलिस पर हमला किया गया है।